गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीठू और आज मेरे दुनिया में आप सब लोग को वेलकम है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और वो है मेरी बेटी का बर्थडे है आज। तो इसकी वजह से मैं सुबह से बहुत ही बिजी हूँ, बहुत ही। आप लोगों के साथ बात करने को भी टाइम नहीं हुआ मॉर्निंग में मुझे। मैं सुबह उठ के बोरा स्वीट बनाया और खीर यानी पायस बनाया, इसके लिए पूजा किया, बहुत काम किया सुबह से, बहुत ही। तो अभी चलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ आज बर्थडे स्पेशल, बर्थडे गर्ल के लिए मैंने क्या बनाया आज स्पेशल, वो आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। देखिए मैं सब कुछ बनाया सुबह उठ के, बहुत कुछ स्वीट, इसके बाद ये सब आइटम मैंने सब बनाया। पहले मैं दिखाती हूँ फिश से, ये फिश फ्राई किया और एग करी बनाया और फिश करी बनाया। इसमें 5 टाइप का भाजा है जो फ्राई करने हम लोगों को देना ही पड़ता है, 5 टाइप का भाजा, आलू, पोटैटो, पामकिन, वो सब मैंने 5 टाइप का भाजा किया। और इसमें मैंने फिश का जो हेड है इसके साथ मैंने जितने सारे वेजिटेबल है सब दे के एक साथ मैंने बनाया मिक्स वेजिटेबल विथ फिश का हेड से बनाया। और स्वीट में मैंने बनाया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर या पायस और संदेश, छेना का संदेश है ये। मैंने ये सब बनाया, आज मेरी बेटी का बर्थडे है इसके वजह से मैंने ये सब बनाया। खीर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बनाना ही पड़ेगा। रसगुल्ला बनाया, गुलाब जामुन, संदेश बनाया और फिश का आइटम एक सब बनाया मैंने सुबह उठ के। आप लोगों को मैंने दिखा दिया मैंने क्या क्या बनाया मेरे बेटी को बर्थडे में, आप लोग सब देख लिया ना। अभी मेरा बेटी को मैं अच्छी तरह से बैठ के खिलाऊंगी, इसके बाद शाम के टाइम मेरी बेटी के साथ आप लोगों को मुलाकात करूंगी, वो भी बर्थडे केक काटने का टाइम, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं मेरे बेटी को थोड़ा सा प्यार करके खिलाऊंगी, तो फिलहाल रखती हूँ। हे गाइस, आज दोपहर का लंच में क्या क्या बनाया आप लोगों को तो सब दिखाया मैं। अभी मैं आ गई केक बनाने के लिए, वो भी एगलेस केक। आप लोगों को मैंने एक दिन दिखाया था एगलेस केक कैसे बनाना है, आज मेरी बेटी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी जब खुश रहता है तो ऑब्वियसली मैं तो खुश होंगी ना, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, माँ को हमेशा बच्चे की खुशी के ऊपर ही खुश होना चाहिए और वो भी बर्थडे है। तो आज मैं बर्थडे गर्ल के लिए केक बना रही हूँ और आप, मैं माइक्रोवेव में बना देती हूँ लेकिन मेरे माइक्रोवेव खराब पड़ा है, कुछ हो नहीं सकते, अभी टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए मैं गैस में बनाऊंगी। और तो चलिए मेरे साथ और आप लोग भी देखिए मैं कैसे एगलेस केक बनाती हूँ। चलिए क्या क्या चाहिए मैंने, क्या है ना, मैदा, फिर मिल्क पाउडर मैंने दिया और ऐसे मिल्क भी मैं दूंगी और मिल्क पाउडर भी मैंने पहले दे दिया, कोको पाउडर दिया और मैदा को एक साथ मैंने छान लिया, वो रेडी कर लिया मैंने। बेकिंग सोडा 2 कप मैदा के साथ मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर दिया, 1 टेबलस्पून से भी कम मैंने बेकिंग सोडा दिया और कोको पाउडर आप लोग चाहिए तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं, लेकिन मैं कोको पाउडर दे रही हूँ। कोको पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर दिया, अभी मैं सब एक साथ मिक्स करूँगी। तो चलिए आप लोग, मैं तो बोल दिया मैं क्या कह रही हूँ। और मिल्क चाहिए इसके लिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। देखिए मैं सब एक साथ मिक्स करके रख दिया अच्छी तरह से छान के, मैंने जो जो बोला सब दे दिया मैं। देखिए मैंने पूरा बना दिया,
मैं कढ़ाई में इसको बिठा दिया केक को। पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था, इसके बाद मैंने इसको बिठाया। नीचे से नीचे थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया। आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया था एक वीडियो में मैंने कैसे केक बनाती हूँ। आप लोग देखिए मेरा केक बन के बिल्कुल रेडी हो गया। कितना गर्म है, पूरा बिल्कुल स्पंजी हुआ। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। मेरे किचन का हालत बहुत ख़राब हो गया, देखिए मैंने इतने टाइम किचन में केक बनाने के लिए बिजी थी और मेरा केक बनके बिल्कुल रेडी हो गया। मैं जैसे तैसे बना दिया, केक तो हो गया मैंने बिल्कुल बना, लेकिन उसके ऊपर जो डेकोरेट है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैं घर में क्रीम खुद बना के फिर मैंने इसको सजाया था, बाहर से नहीं लेके आया मैंने क्रीम। देखती हूँ ये लोग क्या करती हैं, बहुत दोनों उस रूम में क्या क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। अभी मैं जाके देखती हूँ क्या कर रहे हैं लोग। आप लोग भी आप लोग भी मेरे साथ चले और देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। चुपचाप जा रही हूँ मैं। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा देखो, चेहरा ना देखो चेहरों में लाखों को। वो लोग क्या करे, तुम लोग क्या कर रहे हो दोनों मिलके? ये अंधेरे में लाइट बंद करके देखिए आप लोग मेरी बेटी के साथ कितना मजा कर रही है। चलो लाइट दो, क्योंकि अभी तो बच्चे तो नहीं आएंगे, तभी क्या करेंगे, हम लोग ही डांस कर रहे हैं। चलो बाबू चलो लाइट दो, अंधेरा हो गया, केक रेडी हो गया। चलो ठीक है, इसमें नहीं बाबू जाओ। अरे ये डिस्को लाइट है, मेरा बर्थडे गर्ल खुश है ना, तो हम लोग सब खुश है। चलो बाबू लाइट दो। डांस क्यों खराब कर दिया, वो इतना टाइम ये नहीं लगाया तुम लोगों ने, यही तो था। इस बार बेलून नहीं है ना, इसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। बेलून लाना रिस्क है, हाँ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। हर साल ही तो लेके आती हूँ, इस साल नहीं हो रहा है, वही अच्छा ही लग रहा है। दिल से बर्थडे मनाया जाता है, अच्छा ही लग रहा है। ये सब कुछ नहीं, बड़े बड़े ना, अच्छा ही लग रहा है। किसी बैलून था घर में, बैलून नहीं है ना बाबा। बाबा इस साल अच्छे, तुम इस साल कुछ नहीं हो रहा है, केक भी बाहर से नहीं, बेलून भी ना बाबू, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं ना। मम्मी पापा है ना, हाँ, मम्मा पापा सबसे बड़ा फ्रेंड है। हाँ वेरी गुड गर्ल। तो चलो मेरा केक रेडी हो गया, चलो अभी मैं केक लेके आती हूँ, सब मिल के केक काटती हूँ, रेडी हो जाओ। मेरा किचन का हालत क्या बना दिया, ठीक है कोई बात, बहुत टाइम से मेरे के क्या ना क्रीम खत्म हो गया ना, तो इसके वजह से बाहर से क्रीम नहीं लेके आया। चलो चलो मैं लेके जाऊं उसको, क्या ना किसी तरह वो हम लोग ना किसी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गुस्सा है हम लोगों के ऊपर, कुछ नहीं लिया। बच्चे समझ नहीं पा रहे, फ्रेंड को भी नहीं बुलाया, केक भी बाहर से नहीं लेके आ रही हूँ, फिर कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे उसको संभाल रही हूँ हम लोग, बहुत गुस्से में। एक्चुअली क्या ना, हम बच्चों के लिए ना केक सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ठीक, पूजा वो सब छोड़ो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है केक कटना, बेलून बहुत सारा लगाना, फ्रेंड लोग आएगा एंजॉय करेगा और गिफ्ट मिलेगा, वो लोगों का सबसे बड़ा मजेदार है। लेकिन इस साल मेरा बेटी बहुत ही उदास है, बहुत ही। तो चलिए और बात नहीं करूँगी, अभी फिलहाल केक कट लेती हूँ। आप लोग देख लीजिए मेरा मेरी बेटी का बर्थडे केक और स्वीट सब। केक तो अच्छा बनाया, लेकिन वो नहीं मिला, क्रीम नहीं मिला मुझे, क्योंकि बाहर से मैंने क्रीम नहीं लिया, घर में ही बनाया, इसके वजह से थोड़ा सा डेकोरेट में प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब ठीक ठाक है। और स्वीट तो मैंने घर में ही बनाया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, वो सब मैंने घर में ही बनाया। तो अभी केक काट लेती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nilakshi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you.
मैं फिर बाद में पीस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा जल्दी कर दो। एक स्पून किधर है? स्वीट ले, स्वीट में दे रही हूं। स्पून लेकर, स्पून लेकर। इस बार तो ज्यादा कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाया, सिंपल सा ही किया। चलो ये असली बर्थडे स्वीट के साथ केक, तो वेस्टर्न कल्चर है तो नो प्रॉब्लम। तुम्हारे जो हुआ दोपहर को जो जो किया वही ठीक है। और थ्री स्वीट खाना पड़ेगा ना बबू? हाँ थ्री स्वीट खिला, थोड़ा सा और थोड़ा सा गुलाब जामुन। खुश दो, मैं खिला, पापा खिला देगा। हम लोगों का बर्थडे हो गया इस साल। हैप्पी बर्थडे, तो आज बर्थडे के दिन एक गाना सुनाओ। गाना? हाँ तुम एक गाना सुनाओ। चलो मैं केक को मैं हटा देती हूँ, ये सब हटा दो। इसके बाद और कैंडल को थोड़ा सा, और हम लोग कैंडल को निभाते नहीं है, जला के रखती हूँ क्योंकि कोई शुभ काम में कैंडल को बुझाया नहीं जाता, हमेशा जलाया रखना चाहिए क्योंकि उसके लिए, और एक न्यू साल आ रहा है उसके लिए। तो कभी हम लोग जब भगवान का पूजा करते दिया को कभी निभा के नहीं करते, जला के करते हैं। तो इसके वजह से हमेशा आप लोग भी याद रखो, कभी कैंडल को निभाना नहीं चाहिए, उसको जलाओ, जला के रखो, बुझाना नहीं चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। वेस्टर्न लोग करते हैं, निभा देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं निभाते, एटलीस्ट मेरे घर में नहीं करते, सब लोग करते, उधर भी सब करते, हम लोग नहीं करते हो। क्योंकि मेरा मानना है अभी उसका और एक साल न्यू आ रहे, एक नया साल शुरू होने तो वाला है, उसका जला के, दीप जला के करना, दीप जला के करना चाहिए, बुझा के नहीं, बुझा के नहीं करना चाहिए। ये हमारा मानना है। बर्थडे का जो कैंडल है निभाती है तो इसके बाद बर्थडे होता है तो क्या है, वो निभ जाता है ना, अच्छा नहीं होता है। मुझे भी मीठू जब बताया मुझे ये बात अच्छा लगा, मतलब ये दिस राइट, क्योंकि आज से निरक्षी का एक नया साल शुरू होने वाला है तो हम उसको जला के करेंगे, दीप जला के, उजाला करके करेंगे, बंद करके नहीं। ये हमारा हमेशा हम लोगों का सबको, मैं नहीं बोलती हूँ, आप जो लोग मानना चाहिए नहीं, लेकिन आप लोग एक बार सोच के देखना मेरी वो बात, कभी निभा के कुछ नहीं करना चाहिए, जला के करना, बुझा के नहीं करना चाहिए, जला के करना चाहिए, वो शुभ आरंभ होता है। जो भी होता है शुभ आरंभ होता है, दिया को जलाना होता है तो कैंडल है, हम लोग इसको भगवान के सामने जला के रखेंगे, इसको निभाएंगे नहीं, बुझाएंगे नहीं, जितने टाइम वो जलेगा भगवान के सामने जला के रखेंगे। तो अभी मैं सब एक एक करके भगवान के सामने जला के आती हूँ। नीलक्षी लेके आओ, लेके जाओ, मम्मी के साथ लेके जाओ। लो और एक बचा है, पांच मोमबत्ती जला है हम लोगों ने। ये आप तो अभी देख लीजिए, मैं भगवान के सामने कैंडल को जला के रखा, भगवान को तो सो गए लेकिन इसको जला के रखा कैंडल को, जितने टाइम वो जलेगा। आ जाओ, आ जाओ बाबू। आप लोगों को मैंने दिखाया मैंने कैंडल को कैसे जला के रखा, ऐसे ही हम लोग हमेशा जला के रखती हूँ। तो पहले कौन गाना गाएगा? पहले पापा गएंगे, हमेशा पहले पापा को ही सब कुछ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सुना दो। तुमको क्यों बोल रहे हैं ना, तुम बड़े हो ना, इस वजह से तुम हर बार दिन ए आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Neelakshi, happy birthday to you. Baar baar din ye aaye, baar baar dil ye gaaye, tu jiye hazaron saal, ye meri hai aarzoo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to
मीनाक्षी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग भी मेरे बेटे को आप लोग भी मेरे बेटे को आशीर्वाद कीजिए। चलो अभी तुम एक गाना गा दो। तुम एक गाना गा दो। कौन सा गाओ? कोई कुछ भी गा दो, जो भी है। आज बर्थडे का दिन तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक ठाक है, चलो तुम गा दो। तो मेरा फेवरेट गाना गाओ। हाँ गाओ गाओ गाओ, कुछ भी गाओ। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर, तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोरी, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर में, माही बे मोहब्बता सचिया ने मंगरा नसीबा गुजोरे, हो माही बे मोहब्बता सचिया ने मंगरा नसीबा गुजोरे, किस्मत दे मारे हंस की करिए, किस्मत दे मारे हंस की करिए, किस्मत दे मारे हो हंस की करिए, किस्मत दे किस दासोरे, माही वे बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए, एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। क्या होने लगा है? एक तेरे भरोसे थे जरा बैठी हो सोचने, एक तेरे भरोसे पे जरा बैठी जो सोचने, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। बाबा बाबा सब सिखा दूंगी मेरी बेटी को, मैं गाना सिखाती हूँ। दिखाने के लिए मीठू मास्टर है। तो तुम एक गाना गाओगे क्या? और एक दिन? और एक दिन, आज नहीं, आज सब और बोर हो जाएंगे। नहीं, और एक गाना गाते गाते आज हम लोग चलते हो, चलो। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फे उतारता हूँ फिर जुल्फों के साए में, मैं रातें गुजरता हूँ, मैं तस्वीर उतारता हूँ, कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो, मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो,
दौड़ी चली आती है मैं जिसको पुकारता हूँ, मैं तस्वीर उतारता हूँ मीठू जैसे हसीनों की। बाय बाय बाय। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। गुड नाइट टाटा।